विनोद जी, आप स्टूल लेके बैठा। वृक्ष के स्वरूप मानते हैं तो जो श्रीमद् भागवतम क्या है, उस वृक्ष का परिपक्व फल है। इसको श्लोक के माध्यम से शास्त्र बताते हैं, अमृतम द्रव्य संयुतम पीवत भागवतम रसम आलयम मुहुरहो रसिका भूई भावुका। अर्थात कह रहे, निगम कल्पो तरुर गलितम फलम। निगम अर्थात जो समस्त वेद है, समस्त शास्त्र है, वो कैसे हैं? कल्पतरु के समान है। कल्पतरु किसे कहते हैं? कि ऐसा वृक्ष जिसके सामने कोई भी कुछ कल्पना किया जाए, समस्त कल्पना अर्थात कोई भी इच्छा किया जाए, समस्त इच्छा को पूर्ति कर लेते हैं, समस्त इच्छा को हमारा पूर्ण कर देते हैं, उसको बोला जाता है कल्पतरु। तो उसी प्रकार शास्त्र रूपी जो कल्पतरु है, शास्त्र रूपी जो कल्प वृक्ष है, जितना सारे कल्प वृक्ष है सबके श्रीमद भागवतम क्या है? पका हुआ फल। निगम कल्पतरु गलितम फलम। अरे पका भी कैसे? पक करके इतना पक गया, जैसे हमारे गुरु महाराज जी बतलाते थे, कोई अगर फल पेड़ से अगर अपने आप से गिर जाए तो वो फल सबसे अधिक स्वादिष्ट होते हैं। अर्थात उसमें उस वृक्ष ने समस्त रस को प्रदान कर लेता है। अगर हम लोग फल भी तोड़ते हैं कोई वृक्ष से, जब तक वो वृक्ष के साथ लगा हुआ है तब तक वृक्ष का समस्त जो रस है उसमें आया नहीं है, थोड़ा बहुत फल भी बाकी रह गया। लेकिन जब वो पक जाता है, जब वो गिर जाता है नीचे, तब वो वृक्ष का समस्त रस जो है उस फल में आ जाते हैं। तो उसी प्रकार श्रीमद् भागवतम क्या है? ना पका हुआ फल जो कि गिर चुका है, अर्थात जो समस्त कल्प वृक्ष स्वरूप समस्त जो वेद है उसका जो फल है श्रीमद् भागवतम, वो भी इतना पक चुका है ताकि वो गिर भी चुका है, अर्थात समस्त वेदों का एसेंस को क्या कर चुका है, उसमें ग्रहण कर चुका है वो फल में। इसलिए श्रीमद् भागवतम को पढ़ने से ही श्रीमद् भागवतम निगम कल्पतरु गलितम फलम पीवत सुख मुखात अमृत द्रव्य संयुतम। और उसमें क्या कर दिए, आपने अगर देखे होंगे कोई फल में अगर सूक्ष्म पक्षी अर्थात सुख पैरट अगर मुंह चोंच लगा लेते हैं अपना, तो वो फल और भी स्वादिष्ट हो जाता है। तो एक तो श्रीमद् भागवतम पका हुआ फल है, उसमें समस्त सार है, और वो भी जो सार है उसको सुखदेव गोस्वामी पद स्वयं ही कह रहे हैं अपने मुख से, अर्थात सुखदेव गोस्वामी पद जो सुख पक्षी उसमें मुख लगा दिए, तो वो फल का जो स्वाद है वो और भी बढ़ गया। इसलिए क्या करते हैं, उसको सिर्फ साधारण लोग नहीं
रसिक कहा भूभी भावु का, जो समस्त रसिक संत और जो भावुक संत अर्थात जो सिद्ध जो साधक सब लोग उसको पान करते हैं। शुरू से लेकर के अंत तक भक्ति के प्रारंभ से लेकर के जो सिद्ध भी हो चुके हैं वो भी इस भागवत का रस को पान करते हैं। इस भागवत का रस इतना स्वादिष्ट है क्योंकि ये रस क्या है, समस्त वेद सिद्धांत समस्त जितने भी सिद्धांत है शास्त्र का समस्त सिद्धांत इसमें भरा गया है। इसीलिए जब समस्त शास्त्र के जो रचयिता वेद व्यास जी ने उन्होंने जब समस्त शास्त्र का रचना भी कर लिए तब भी उनका मन में संतुष्टि नहीं था, उनका मन तभी उनका प्रसन्न नहीं लगता था। जैसे कोई कार्य हम लोग कर लेते अगर हम उस कार्य को अगर अच्छे से किया जाता है अगर उसका मतलब अगर वो सक्सेसफुल होता है तो क्या मन में तसल्ली आता है, मन में संतुष्टि आता है। तो वेदव्यास जी ने इतना सारे ग्रंथ रचना करने के बावजूद भी उनका मन में प्रसन्न नहीं थे वो, उनका मन में संतुष्टि नहीं था, मन बेचैनी था। तो उन्होंने इसलिए सम्यक अर्थात बद्रीनाथ के निकट ही उनका जो आश्रम था वहां बैठ करके उनके मन में जो असंतुष्टि का क्यों मेरा मन संतुष्ट नहीं है उसका जो चिंता कर रहे थे उसी समय ही आ करके उनके जो गुरुदेव श्री नारद ऋषि ने आकर वहां पहुंचे और पहुंच करके नारद ऋषि ने उनसे पूछे कि आप असंतुष्ट क्यों हो, आप दुखी क्यों हो, आप उदास क्यों हो। तब वेदव्यास ने बोले हे प्रभु हे गुरुदेव मैं क्यों उदास हूं, आप तो भली भांति जानते हैं क्योंकि आप तो मेरे गुरु हैं और गुरु तो अंतर्यामी होते, वो तो सब कुछ जानते हैं एक शिष्य के हृदय में क्या चल रहा है, इसलिए आप कृपा करके बतलाइए मैं क्यों उदास हूं, मैं इतना तो सारे शास्त्र लिख दिया सब कुछ रचना करने के पश्चात ही मेरा मन में संतुष्टि क्यों नहीं है, मुझे ये बात समझ में नहीं है। तो नारद ऋषि ने तब उनको प्रश्न किए अपने समस्त शास्त्र रचना कर दिए कैसे कोई व्यक्ति को धन मिल जाए, कोई अर्थ मिल जाए, काम मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, ये सबका तो आपने प्राप्ति उपाय का प्राप्ति बतला दिया, क्या आपने ये बतलाया भगवान को भी प्राप्त किया जा सकता है, भगवान के साथ भी प्रेम पूर्ण संबंध बांधा जा सकता है। हमारे गुरुदेव बोलते थे कि श्री नारद जी ने ये वाला प्रश्न उनसे पूछे कि आपने ये बतलाया कि भगवान भी क्या जाते हैं, प्रेम में बांधे जाते हैं, भगवान भी किसी का पुत्र हो सकते हैं, भगवान भी किसी का सखा हो सकते हैं, भगवान को भी पुत्र के जैसा सखा के जैसा प्रियतम के जैसा प्रेम किया जा सकता है, सिर्फ उनको धूप आरती नहीं उनको प्रेममय संबंध उनके साथ बनाया जा सकता है। वृंदावन के विषय में क्या आपने बतलाया, कृष्ण के विषय में क्या आपने बतलाया, ना नहीं मैंने तो ये तो लिखा नहीं ना, जबकि यूं ने जो स्वयं भगवान है जो सबके मूल है उनके विषय में जब आपने नहीं लिखे तो आपके मन में प्रसन्नता कैसे आएगा। और ऊपर से उन्होंने ये भी बोले जब जो व्यक्ति स्वयं ही लिख रहा है श्रीमद् भागवतम अगर उसका मन में ही स्वयं ही लिख रहा है अनेक अनेक सारे ग्रंथ स्वयं लिखने के पश्चात अगर आपके मन में प्रसन्नता नहीं है तो फिर इस ग्रंथ को पढ़ करके इस समस्त ग्रंथ को जो पढ़ेंगे उनका मन में भी कैसे का प्रसन्नता हो सकता है। अर्थात कहना ही चाहते श्रीमद् भागवतम को छोड़ करके अगर और ग्रंथ हम लोग पढ़ते हैं तभी क्या होगा सर्वोत्तम प्रसन्नता प्राप्त नहीं होगा वो श्रीमद् भागवतम में ही होगा क्योंकि उसमें क्या है स्वयं भगवान श्री कृष्ण के विषय में बतलाया गया है और विशेष करके कैसे कृष्ण का साथ ही प्रेममय संबंध स्थापना किया जा सकता है। प्रेममय अच्छा प्रेममय तो उसे उसके विषय में विशेष करके बतलाया गया है और जो कि जीव का लक्ष्य है यही कि कैसे भगवान के साथ हम सब लोग क्या है भगवान का अंश है, हम सब लोग शास्त्र में बतलाया गया जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, हम सब लोग भगवान का नित्य दास है और कहीं ना कहीं हम सब लोग का भगवान के साथ संबंध है। वही संबंध जब तक हम लोग प्राप्त नहीं कर लेते तब तक कोई जीव को संपूर्ण प्रसन्नता प्राप्त नहीं हो पाएगा और वही संबंध के विषय में श्रीमद् भागवतम में ही बतलाया गया है और उसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है उसमें भी बतलाया गया। इसलिए श्रीमद् भागवतम के विषय में बोल रहे कि तद रसम तृप्तस्य नान्यत् स्याद् रति क्वचित्, जो कोई अगर कोई श्रीमद् भागवतम का रस को पान कर लेता है तो क्या होता है उनका उनको इतने मात्रा में संतुष्टि प्राप्ति होता है उनका और कहीं मन ही नहीं रखता, उनको और कहीं जाने की इच्छा ही नहीं होता और कुछ ग्रंथ श्रवण करने की इच्छा भी नहीं होता क्योंकि श्रीमद् भागवतम क्या है सब कुछ एसेंस रूप में समस्त शास्त्रों का सार ही उसमें बतलाया गया है। व्यास जी को नारद जी ने जब व्यासदेव जी का जब मन उदास था और उन्होंने बोले कि गुरुदेव मैं इतना सारा ग्रंथ लिख दिया और मैंने
सब में ये बतला दिया कि कैसे धन प्राप्ति हो, कैसे धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्ति का उपाय बतला दिया, तो तब भी मेरा मन क्यों संतुष्ट नहीं है। तब नारद जी ने उनको ये बोलने लगे कि वास्तविक रूप में जागतिक जो लोग हैं उनका जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है, जो स्वाभाविक रुचि है, वो तो इसके प्रति होएगा ही। किसके प्रति? धर्म अर्थ काम मोक्ष के प्रति। वो अपने आप से लोग क्या होगा, उसके प्रति इंक्लाइन होंगे, पैसा कमाने का, अर्थ कमाने का, धर्म कमाने का, जो जो जगत के लोग जो करते हैं। तो इसलिए उनको इसका उपाय प्राप्ति बतलाने की जरूरत नहीं है। जो 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 जीव है वो भगवान से विमुख है और भगवान के प्रति उन्मुखता स्वाभाविक रूप से नहीं आता है, और इसलिए भगवान के प्रति कैसे स्वाभाविक रूप से उन्मुख हो पाएंगे इसके उपाय बतलाने चाहिए, ना कि धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति का उपाय। क्योंकि ये क्या है, जीव अपने जो समस्त जीव है वो अपने आप से ही धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्ति करना चाहते हैं, इसलिए उनको बतलाने की जरूरत नहीं है। क्या बतलाने की जरूरत है? जो उनको स्वाभाविक रूप से रुचि नहीं होता, और विशेष करके जो भगवान श्री कृष्ण है उनके प्रति किसी भी ग्रंथ में कृष्ण ज्यादा से ज्यादा व्यासदेव जी श्रीमद भागवतम से पहले महाभारत का रचना किए थे, जिसमें कि कृष्ण को भगवान के रूप में स्थापना किए थे। किंतु नारद जी ने बताने लगे कि कृष्ण का सिर्फ भगवान नहीं है, कृष्ण के साथ सद्बंधुवत, लौकिक सद्बंधुवत संबंध भी रखा जा सकता है, उनके उनके प्रति प्रेममय संबंध भी रखा जा सकता है। तो इसलिए ये बतलाए नहीं थे और कोई के ग्रंथ में, इसलिए नारद जी ने व्यासदेव जी को डांट लगाई। भागवत जी में तो हाँ ये आपने क्या किया, हाँ जी पहले से लोगों की प्रवृत्ति जी उन्हें कुछ उत्साह दे दी। भागवत नहीं है कि पहले से ही लोगों की तो प्रवृत्ति है ही धर्म अर्थ काम मोक्ष में, तो आपने जो धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति बताया उनको तो उत्साह ही मिल गया। इसमें तो जीव का बद्धता और बढ़ जाएगा, भगवान प्रति वो और उन्मुख नहीं हो पाए। इसलिए श्रीमद भागवतम ग्रंथ है, इसे ऐसा है जिसमें कोई मल नहीं है, जो धर्म अर्थ काम मोक्ष इसको मल के साथ समान किया गया है। मल मल तो अत्यंत घृण होता है, घृण मतलब अत्यंत खराब होता है, किंतु श्रीमद भागवतम में मल ही नहीं है। इसलिए श्रीमद भागवतम के मंगलाचरण भी बतला दिया। नहीं, दूसरे वाला, धर्म प्रोजित कैतव अत्र परमो निर्मल शरणम शतम, कि भागवत में शुरू से ही बतला दिया ये जो ग्रंथ है इसमें क्या है, धर्म प्रोजित कैतव अत्र, इसमें कैतव जो धर्म है कपटता अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष के विषय में इसमें नहीं दिया गया है। जो मल है धर्म प्रोजित कैतवोत्र परम निर्मश्रणम सतम वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम तापत्रय उन्मिलनम, जो श्रीमद भागवतम है इसमें और जागति कोई भी मल के विषय में, मल के विषय में बतलाया ही नहीं गया, अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष के विषय में। फिर क्या, किसके विषय में बतलाया गया? वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु, जो वास्तव वस्तु है भगवान कृष्ण ही वास्तव वस्तु, उनके विषय में ही इसमें बतलाया गया विशेष करके। तो इसलिए श्रीमद भागवतम है, इसलिए उसको अमल पुराण भी कहा गया, क्योंकि उसमें मल नहीं है। और अलग अलग शास्त्र में भी भागवतम का महिमा के विषय में वर्णन करते, और विशेष रूप में इसमें यह भी बतलाया गया कि अगर कोई कृति भी सुश्रुषु तत्क्षणात्, अगर कोई सुकृतिवान व्यक्ति, अगर कोई परम सुकृतिवान व्यक्ति जो कि भागवतम श्रवण करने का इच्छा रखता है, क्योंकि भागवत श्रवण करने का इच्छा होना ये कोई साधारण बात भी नहीं है। भागवत ग्रंथ भागवत श्रवण करना, साधु संग करना, हरि भजन करना किसी साधारण भाग्य से नहीं उदित होता है, किसी साधारण व्यक्ति के मन से ये सब बातें नहीं आता है। जब तक कोई बहुत अधिक सुकृति हमारा जीवन में पूर्व पूर्व जन्म में पूर्व पूर्व तक संचित किया हुआ, जब तक सुकृति हमारा नहीं होता तब तक भागवत श्रवण करने का इच्छा भी नहीं होता। ये कोई साधारण सौभाग्य से भागवत श्रवण करने का इच्छा नहीं होता, ना कि भागवत श्रवण करने का जो सुजोग प्राप्त होता है वो भी साधारण सौभाग्य से प्राप्त नहीं होता, विशेष सुकृति से। इसलिए वही विशेष सुकृति वाला व्यक्ति अगर कोई भागवत को सुनने की सिर्फ इच्छा ही रख लेता है, सुनना तो दूर की बात है, तो कृति भी सद्य हृदय अवरुद्यते अत्र, तुरंत ही क्या करते हैं, कृष्ण आकर के उनके हृदय में बंध जाते हैं, कृष्ण आकर के उनके हृदय में बैठ जाते हैं कि इसका मुझे मेरे कथा को मेरे विषय में श्रवण करने का इच्छा तो हो गया, तो इसी इच्छा को श्रवण करके, इच्छा को देख करके कृष्ण तुरंत ही आकर के हृदय में बैठ जाते। तो इसलिए भागवत सुनने का तो दूर की बात है, भागवत सुनने की इच्छा करने से इतना लाभ है।
और अलग अलग शास्त्र में ये श्रीमद् भागवतम को साक्षात कृष्ण बोल करके बतलाया गया है। शास्त्र में बतलाते हैं, कृष्ण सुधाम उपगते धर्म ज्ञानादिविशः। जब कृष्ण अपने धाम को चले गए और धर्म ज्ञान आदि को लेकर के, तब क्या हुआ? कृष्ण सुधाम उपगते धर्म ज्ञानादिविशः कलौ नष्ट दुशा में स पुराण अर्क अधुनित। अरे कलिजु की लोक का क्या गति होएगा, कलिजु की लोक का कैसे कल्याण होएगा? ये लोग ऐसे अज्ञान रूपी जो अंधकार से कैसे बाहर निकलेंगे? तो इसको देख करके, दृशा में सो देख कर क्या किए, पुराण अर्क भागवत रूपी पुराण, भागवत पुराण रूपी जो सूर्य है उसको छोड़ के चले गए। जब कृष्ण चले गए अपना धाम को, तो इस जगत जब अंधकार छा गया अज्ञान रूपी अंधकार, तब कृष्ण अपने जो स्वरूप है श्रीमद भागवतम और श्रीमद भागवत रूपी सूर्य को ही इस जगत में छोड़ के चले गए। तो इसलिए कृष्ण श्रीमद भागवतम को साक्षात रूप से कृष्ण का स्वरूप ही बतलाया गया है। शास्त्र में उदाहरण भी देते हैं कि कैसे भागवत का एक एक जो स्कंद है कृष्ण का एक एक अंग स्वरूप है। पादो जदियो प्रथमो द्वितीयो, पहला और दूसरा स्कंद कृष्ण का चरण कमल है, तीसरा चौथा स्कंद कृष्ण की जंघा है। इस प्रकार के 12 जो 12 स्कंद है कृष्ण का अलग अलग अंग है। अच्छा, पादो जदियो प्रथमो द्वितीयो, प्रथम द्वितीय तृतीय तुरीयो कथितो यदुरु। जो कृष्ण का चरण, दोनों चरण कमल है, श्रीमद भागवतम का प्रथम और द्वितीय स्कंद के साथ समान है। जो कृष्ण का दोनों जंघा है तो वो श्रीमद भागवतम का तृतीय और चतुर्थ स्कंद के साथ समान है। और जो श्रीमद भागवतम जो कृष्ण का नाभि है श्रीमद भागवतम का पंचम स्कंद है। कृष्ण का वक्षस्थल श्रीमद भागवतम का षष्ठ स्कंद है। कृष्ण का दोनों बाहु कृष्ण श्रीमद भागवतम का सप्तम और अष्टम स्कंद है। कृष्ण का कंठदेश श्रीमद भागवतम का नवम स्कंद है। कृष्ण का प्रफुल्लित मुख कमल श्रीमद भागवतम का दशम स्कंद है। कृष्ण का ललाट पट श्रीमद भागवतम का 11वां स्कंद है और कृष्ण का शिर प्रदेश भागवतम का 12वां स्कंद है। तो इसी प्रकार जो भागवत है वो और कुछ नहीं, साक्षात रूप से कृष्ण का शाब्दिक अवतार ही श्रीमद भागवतम है। तो इसलिए श्रीमद भागवतम को श्रवण करने से समस्त ग्रंथ श्रवण करना हो जाता है। विशेष करके गुरु वैष्णव के अनुगत्य में साधु संघ से जब श्रवण किया जाता है श्रीमद भागवतम का, तो उसमें अनेक अनेक फल प्राप्त होते हैं। उसमें वास्तविक जो भागवतम का जो सुनने का फल वो प्राप्ति होता है। इसलिए हमारे परम सौभाग्य हम लोग आज शाम से पूज्यपाद महाराज जी से श्रीमद भागवतम कथा का श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण। हमारे लिए कुछ छोड़ा नहीं बोलने को क्या? तेरा ना अच्छा है, ऐसा लगता है जहाज उड़ा रहा हूँ, है ना? ए, ये बेकार लगता है मेरे को ये। इसको लगाने से ऐसा लगता है हवाई जहाज उड़ा रहे। हरे कृष्ण कथा सुनने आएंगे भागवत जी की? हाँ जी आएंगे। कितने दिन? 7 दिन। 7 दिन आएंगे। अच्छा, साहब नहीं आएंगे? आएंगे। आपके सुनने का फल जब आओगे तो 50% इनको दे देना। अभी अभी हम लोगों ने भागवत जी की महिमा सुनी, आज से भागवत कथा सुनेंगे जनकपुरी रमन बिहारी गौड़िया मठ में। एक प्रश्न उठाया गया, भागवत श्रीमद भागवत जी का कौन सुन सकता है, उसका अधिकारी कौन है? बताया ना, संबंध अभिधेय प्रयोजन और अधिकारी। तो अधिकारी कौन है भागवत जी सुनने का? कोई बहुत पुण्यवान व्यक्ति होना चाहिए, बहुत भक्तिवान होना चाहिए, बहुत समझ रखने वाला होना चाहिए, शास्त्रों का ज्ञान रखने वाला होना चाहिए। ऐसी सारी बातों को निरस्त किया। भागवत जी सुनने का सबका अधिकार है। कोई पापी से पापी व्यक्ति भी हो उसको ये नहीं कहा जा सकता तुम भागवत जी कथा नहीं सुनोगे, है ना?
दूसरी ओर ये कहा गया भागवत प्रमाण अम्लम यद वैष्णव नाम प्रियम, ये परमहंस संहिता है। जो परमहंस जो बड़े शुद्ध भक्त होते हैं वो इसका आस्वादन करते हैं, स्वाद लेते हैं, और जो दूसरे दूसरे अधिकारी होते हैं वो इससे भगवान की कृपा की प्रार्थना करते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना होगा प्रेत योनि में पड़ा हुआ धुंधकारी 7 दिन भागवत जी की कथा सुनकर उद्धार हो गया उसका। अब प्रेत कोई कथा सुनने का अधिकारी होता है? प्रेत कभी भगवान का नाम करने का अधिकारी होता है? हो सकता है। कोई भी किसी प्रकार का यहां पर संशय नहीं है कि ये अधिकारी है ये अधिकारी नहीं है। प्रेत योनि तो तामसिक होती है, मनुष्य योनि राजसिक है, देवता सात्विक है। तो देखो भागवत जी में बताया प्रेत योनि में पड़ा हुआ धुंधकारी 7 दिन भागवत जी की कथा सुनी तामस गुण में जो है वो भी वैकुंठ गति को प्राप्त कर सकता है। फिर इतने सारे मनुष्य जो कथा सुनते हैं वे भी वैकुंठ गति को प्राप्त हो सकते हैं। देवता, देवताओं ने भागवत सुनी? जब शुकदेव गोस्वामी जी कहने आए तो अमृत का कलश लेकर पहुंच गए, हमको भी कथा सुननी है। ये तो 3 गुणों में जो है, लेकिन इससे ऊपर है निर्गुण स्थिति, वो है भगवान के शुद्ध भक्त। इसलिए जो परमहंस होते हैं वो निर्गुण स्थिति में है, वो भागवत जी को स्वाद लेते हैं। बाकी सब जो 3 गुण वाले वो अपने गुणों के अधिकार के अनुरूप ही उन्हीं गुणों के अनुसार अपनी अपनी कामना करते हैं। जैसे धुंधकारी कहता है कि मेरे भागवत सुनकर मेरा उद्धार हो जाए, बस प्रेत योनि में बड़ी पीड़ा है, बड़ा कष्ट है, बड़ा दुख है, बस मेरा उद्धार हो जाए, यहीं तक उनका अधिकार है, यहीं तक पहुंचे, बस कहते ना यहीं तक मार है उसकी। लेकिन उससे ज्यादा उसको प्राप्त हुआ, वैकुंठ प्राप्त हुआ। नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषि, हजारों संख्या की ऋषि में संख्या में वे ऋषि लोग भागवत जी की कथा सुनकर अपने अभीष्ट को प्राप्त हुए। देवता इसलिए भागवत सुनना चाहते हैं क्योंकि अमृत पीकर अजर अमर हो जाता है, लेकिन तब भी हमको कष्ट होता है, दुख होता है ना, वो सब समय चिंता में पड़े रहते हैं देवता भी। मगर भागवत जी की कथा सुनकर वे भी उच्च गति को प्राप्त हो सकते हैं, ये कहा हो सकते हैं, हो गए ये नहीं कहा, मनुष्य भी हो सकता है। लेकिन धुंधकारी जी का उदाहरण में तो साक्षात दिखाया वैकुंठ पहुंच गए। तो ये 3 गुण वाले जो हैं ये अपने अपने मन की इच्छा के अनुसार उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जो इनसे ऊपर निर्गुण स्थिति में है वो तो इसका पूरा स्वाद लेते हैं। उनका जीवन भी भागवत है, उनका अभीष्ट भी भागवत है, उनका प्रिय भी भागवत है, उनको सुनना भी भागवत पसंद है, उनको कहना भी भागवत पसंद है, उनका स्मरण भी भागवत है, इसलिए वो स्वयं भी भागवत है। इसलिए शिव जी जो सारे वैष्णव में सबसे श्रेष्ठ हैं, वैष्णव नाम यथा शंभु, वे शिव जी पार्वती जी को क्या करते हैं? भागवत जी की कथा सुनाते हैं। जब उनकी कथा पूरी हो जाए तो पार्वती से कहते हैं अब तुम सुनाओ, अब मैं सुनूंगा। शनंती गायंती गृणंती साधुवा, ये साधु का स्वभाव होता है कि कहना नहीं
सुनना भी उतना पसंद करते हैं। शिव जी सब समय भागवत जी की कथा कहते नहीं, परंतु सुनते भी हैं। किन से? पार्वती जी से। और पार्वती जी पहले शिव जी से सुनती हैं और फिर उन्हीं को सुनाती भी हैं। ये ऐसी स्थिति है जहां पर भागवत जी का पूरा स्वाद लिया जाता है। भागवत जी के निकट रहने का मतलब ही भगवान के निकट रहना है। अब इस पर विश्वास हो तो बात है। जैसे नाम के संबंध में कहा, भगवान का नाम और भगवान एक ही चीज है। हमको विश्वास है इस बात का? हमें ना है विश्वास। सुन रखा है, विश्वास करना ही पड़ेगा। ऐसा मन में आता है, हाँ कहा लिखा है तो करना ही पड़ेगा, लेकिन विश्वास कहाँ है अभी? अभी बार सड़क पर कोई समस्या आ जाए तो भगवान को बुलाएंगे ना अपने घर वालों को बुलाएंगे? जिससे संबंध है उसको बुलाऊंगा मैं बाहर? अगर कोई गाड़ी वाला मार जाए मैं बोलूंगा अरे आओ बचाओ, घर वाले बचाओ, है कि नहीं? लेकिन देखो एक हाथी जिसका नाम गजेंद्र है पानी में डूब रहा है, उसकी हजारों पत्नियां हथनियां और हजारों लाखों बच्चे हैं, सबने उसका छोड़ दिया, पानी पीने आया और वहीं पर एक मगरमच्छ था जिसने, एक ग्रह जिसने गजेंद्र को पैर से खींचकर पानी में लाया। पानी में उसका बल ज्यादा होता है इसलिए गजेंद्र को खींचकर ले आया। अब गजेंद्र डूबा जा रहा है, डूबा जा रहा है, डूबा जा रहा है, यहां तक पानी आ गया तो उसने रक्षा के लिए अपनी पत्नी को बुलाया, बच्चों को बुलाया, अरे चिंकू ब्रिंकू बिंकू जो भी नहीं, उसने बनाया बुलाया भगवान को। क्यों? अभिनत्तु नाम नामनी, भगवान और उनका नाम, या भगवान का नाम और भगवान, ये दोनों कोई अलग चीज नहीं है। जैसे हम कहें एक गिलास पानी ला दो, या कहूं एक गिलास नीर लाओ। नीर समझते हैं? हिंदी में पढ़ते थे ना हैं? पर्यायवाची शब्द। एक गिलास जल ले आओ, एक गिलास नीर ले आओ, ऐसा कोई बोलता है? एक गिलास नीर ले आओ, एक गिलास पानी लाने को ही बोलते हैं। लेकिन नदी में क्या होता है? नीर किसको बोलते हैं? जब नदी में जो पानी बहता है उसको कहते हैं नीर। लेकिन बात तो एक ही है, नीर और जल एक ही चीज है, लेकिन कहां पर वो एप्लीकेबल हो रहा है ये देखा जा रहा है। वो हर सेंटेंस में तो एप्लीकेबल नहीं होगा, है ना? हम ये नहीं कहेंगे हमारे नल में नीर आ रहा है, ऐसा तो नहीं बोलते। हमारे नल में पानी आ रहा है, नीर तो नदी में होता है। उसी प्रकार भगवान और भगवान का नाम, ये दो कोई अलग चीज नहीं है, वो एक ही चीज है। हम ऐसे सब लोग यहां बैठे, सहगल जी हाथ खड़े करना, कौन करेगा? अरे कौन है सहगल? आपने क्यों किया? हाँ आप बड़े सहनशील हैं इसलिए सहगल। जिसका नाम लिया वही हाथ खड़े करेगा ना? ऐसे ही जिसको बुलाएंगे तो वही तो सुनेगा, फिर और कोई थोड़ा सुनेगा। गजेंद्र जब डूब रहा है पानी में, बड़े सुंदर सुंदर बातें कह रहा है, स्वर के राजा इंद्र ने सुनी, दो मिनट सुनी, सोचने लगा ये अच्छा अवसर है क्रेडिट लेने का, मैं अगर जाकर हाथी को बचाऊंगा सब कहेंगे वाह इंद्र जी की जय जयकार हो, हाथी को बचा लिया, डूबते हुए हाथी को बचा लिया। लेकिन गजेंद्र की ऐसी दो तीन बातें सुनी हाथी की, इंद्र वापस आकर सिंहासन पर बैठ गया, नहीं नहीं भाई हमको नहीं बुला रहा। ब्रह्मा जी सोचे मैं जाता हूं तो मेरे को क्रेडिट मिल जाएगा, लेकिन गजेंद्र की बात सुनी ब्रह्मा जी वापस आ गए। शिव ने सुना
शिव जी गए, हाँ मेरे को शायद बुला रहा है, शिव जी वापस आ गए, क्योंकि वहां गजेंद्र किसी का नाम तो बोल नहीं रहा, वो तो स्तुति कर रहा है। और उसी में ही गजेंद्र ने एक बात कह दी जिससे सब पीछे हट गए और भगवान जी ये सामने आए, और उन्होंने आकर उस हाथी को, अपने भक्त को रक्षा की, गजेंद्र की रक्षा की। गजेंद्र ने क्या कहा, एकांत न यस्य, आता नहीं इसको, आता है एकांत न यस्य न कंचनार्थम, एवरीवन शुड लर्न दिस वर्स, गजेंद्र स्तुति, एवरीवन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एकांत न यस्य न कंचनार्थम वांछन्ति यावे भगवत प्रपन्ना, अति अद्भुत चरित्र सुमंगलम गायन्ति आनंद समुद्र मग्ना। गजेंद्र ने कहा, हे भगवान, मैं आपसे कुछ नहीं चाहता। ये बात सुनकर इंद्र पीछे हट गए, बोलते मेरे पास जो आता है कुछ मांगने आता है, देवी देवता के पास किस लिए जाते हैं, घर छोटा पड़ रहा है, 500 गज में मिल जाए तो कितना अच्छा, 500 वाला कहेगा 1000 में मिल जाए तो कितना अच्छा। इंद्र पीछे हट गए, ब्रह्मा पीछे हट गए कि मेरे पास जो भी आता है कुछ मांगने आता है। शिव जी ने कहा, मेरे पास तो ज्यादा लाइन लगी होती है, सब मेरे पास आते हैं कुछ ना कुछ मांगने। अति अद्भुत चरित्र सुमंगलम, आप मुझको अपने भक्तों का संग दे दो जो सब समय आपकी लीला में, आपकी बातों में ही डूबे रहते हैं। इंद्र ने सोचा, ऐसा हमारा एक भी भक्त नहीं है जो मेरी बातों में, मेरी करनी पे, मेरी लीला पर जो डूबा हो। ब्रह्मा जी ने कहा, हमको भी ऐसा आज तक एक नहीं मिला, जो आता है मुझसे मांग नहीं आता है। शिव जी ने कहा, भैया हमारे पास भी सब मांग नहीं आते हैं, इसलिए सब पीछे हट गए। और श्रीहरि भगवान सामने आए, क्योंकि वो ही ऐसे हैं, उनके भक्त ऐसे जो उनकी कथा में डूबे रहते हैं और जो उनसे कुछ नहीं मांगते। जो आपकी खुशी, जो आपकी प्रसन्नता, जो आपकी इच्छा, वो दे दो, हम आपसे कुछ नहीं मांगेंगे। इसलिए भगवान ने आकर गजेंद्र की रक्षा की। तो भगवान और भगवान का नाम, ये कोई दो अस्तु नहीं है। इसलिए हम कहेंगे, भगवान कहाँ है? एक स्टूडेंट ने पूछा, बोलता कि मैं विश्वास ही नहीं करता, जिस चीज को मैं नहीं देखता उसको विश्वास कैसे करूं। एक स्टूडेंट ने पूछा, और बात भी सही है, जिसको मैं नहीं देख सकता उसको मैं विश्वास कैसे करूं। तुम्हारा भी एक क्वेश्चन है है ना, सब बच्चे ही पूछते हैं। हम जिसको देखते हैं उस पर विश्वास करते हैं, जिसको नहीं देखते विश्वास कैसे करें। अच्छा, अब देखो लॉजिकली बताता हूं, शास्त्र वाली बात नहीं बताता, लॉजिकली। ये पंखा देख रहे हो तो इस पे विश्वास है चल रहा है, लाइट जल रही है तो दिख रही है तो विश्वास है। लेकिन ये पंखा लाइट जिस इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है, जिस बिजली से चल रही है, वो बिजली देख पा रहे हो? देख सकते हो बिजली को? जब अच्छा, वो जो केबल होती है वो भी दिख जाती है, जो तार है वो भी दिख जाती है। उस केबल और तार के अंदर जो वो है, बिजली है, जो इलेक्ट्रिक करंट है, वो दिखता है? वो नहीं दिखता। इसका मतलब वो दिख नहीं रहा, इसका मतलब क्या, वो है नहीं, उसकी एग्जिस्टेंस है, तभी तो ये सब डिवाइसेस चल रहे हैं, ये तो कैसे चलेंगे। अच्छा, वाईफाई लगा हुआ है घर में, लगा वाईफाई है कि नहीं? वाईफाई डिवाइस है, एक डिवाइस लगा हुआ है यहां पर, और पूरे घर में उसके साथ एक्सेस है। कोई भी पासवर्ड डाले तो उसका वाईफाई फोन का एक्सेस हो जाएगा। लेकिन वाईफाई डिवाइस तो दिख रहा है, उसकी जो रेज है वो कहां दिख रही है? तो नहीं दिख रही, इसका मतलब एग्जिस्ट नहीं करती।
वो एग्जिस्ट करती है। इसलिए एक स्पेशल डिवाइस से हम वो इलेक्ट्रिक करंट भी देख सकते हैं, एक स्पेशल डिवाइस से वो हम वाईफाई की रेडिएशंस भी देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। ऐसे ही भगवान को भी हम प्रैक्टिकली आंखों से तो नहीं देख पा रहे, इसका मतलब वो एग्जिस्ट नहीं करते ये तो बात है नहीं। रात को सूरज दिखते नहीं, रात को सूरज दिखता है लेकिन एग्जिस्ट करता क्या नहीं। फ्लाइट में जब हम जाते हैं सामने स्क्रीन पर वो डेस्टिनेशन वो जो चार्ट आता है उसमें कैसा एक कर्व आता है ना, दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड आर इन डार्कनेस, दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इज इन अंडर सनलाइट, है ना। कभी कभी तो यहां ऐसे होता है मैं रात को यहां फ्लाइट पे बैठता हूं और जहां पहुंचता हूं वहां भी रात हो रही होती है। एक बार तो यहां दिन में गया रात हुई नहीं दिन ही दिन चल रहा है। अब यहां से अमेरिका की फ्लाइट पकड़ो 2 घंटे में पहुंच जाओगे, 2 घंटे में होता है 4 बजे की फ्लाइट हो वहां पर 7 बजे लैंडिंग है 3 घंटे में। मैं तो पहली बार बड़ा खुश हुआ, ऐसा कौन सा जेट आ गया 3 घंटे में अमेरिका पहुंचा रहा है। लेकिन बात समझ आ रही हो, तो टाइम डिफरेंस जो है एक दिन सेविंग हो जाता है यूएस जाने से, और यूएस से यहां पर आओ तो एक दिन लॉस हो जाता है। मतलब 15 को चले तो 16 को पहुंचेंगे, और यूएस जाना हो यहां से 15 को चले 15 को ही पहुंच जाएंगे, दिन बच गया ना। एक बार ऐसे कहीं भागवत किसी ने इनवाइट किया तो यहां बहुत साल पुरानी बात है, यहां पर भागवत खत्म हुई। मैंने कहा यार कैसे मंडे टू संडे, हर चाहता है, हर कोई चाहता है संडे को एंडिंग हो, तो कैसे संभव है मैं यहां से संडे को चलूंगा, मतलब संडे रात को चलूंगा कथा खत्म होने के बाद फिर वहां कैसे पहुंचूंगा, सॉरी मंडे को चलूंगा। तो जब टिकट आई मैंने कहा जो भी होगा देखा जाएगा, 6 दिन की करेंगे। जब टिकट आई तो वहीं पहुंच रहा हूं मंडे को ही, संडे रात को, मतलब जो मंडे लग गया रात की फ्लाइट पकड़ी मंडे को ही सुबह वहां पहुंच गया, तो शाम को कथा शुरू कर दी तो मंडे टू संडे हो गया ना। तो इसलिए कहना चाह रहा था कि रात को सूरज नहीं दिख रहे इसका मतलब सूरज है नहीं, एग्जिस्ट करते हैं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम देख नहीं पा रहे लेकिन एग्जिस्टेंस तो है। भाई आपसे पूछ रहा हूं, आपका मेरा माइंड है, आपका माइंड है, एग्जिस्ट करता है कि नहीं, आप देख सकते हैं मेरे माइंड को, मैं आपके माइंड को देख सकता हूं, हम दोनों देख ही नहीं पा रहे लेकिन उसकी एग्जिस्टेंस है कि नहीं है। ऐसे ही मल्टीपल ऑफ आंसर्स, इतने आंसर्स हैं इस बात को प्रूफ करने के लिए कि हर चीज, हर वो चीज जो हम देखते हैं बस उसी पे विश्वास करेंगे, जो नहीं दिख रही वो एग्जिस्ट नहीं करती, हाउ इज पॉसिबल। ये तो एक छोटा सा बच्चा भी साइंस का या ऐसे भी नॉर्मल बता देगा, सूरज नहीं दिखते रात को तो इसका मतलब नहीं एग्जिस्ट नहीं करते, हम एक दूसरे का माइंड ही नहीं देख पा रहे इसका मतलब ये थोड़ा वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। सबके अंदर भगवान ने इंटेलिजेंस दी है ना, इंटेलिजेंस दिखती है नहीं दिखती तो एग्जिस्ट करती है कि नहीं। जिसके अंदर एग्जिस्ट नहीं करती वो तो पागल है फिर इनसेन है, वो इंसान थोड़ा है तो इसलिए भगवान और उनका नाम और वैसे श्रीमद् भागवत जी ये एक ही वस्तु है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। हाँ डिफरेंस ये है कि अभी इसकी रियलाइजेशन नहीं है, अभी इसका फीलिंग नहीं है, हमको विश्वास नहीं है कि जब मैं नाम कर रहा हूं तो सच में भगवान मेरे पास हैं। विश्वास कहां है क्योंकि मैं उनको देख नहीं पा रहा, वो एक अलग क्राइटेरिया है, मैं उनको फील नहीं कर पा रहा। लेकिन उपाय क्या है, इसी को ही करते 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 कर कथा जी को सुनते 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 है ना, फिर वो दिन दूर नहीं जब इस बात को फील भी होने लगेगा। जैसे मान लो आज प्रेम में दीदी ने राजमा बनाए हो, शायद मेरे को नहीं पता क्या बनाया अभी तो देखेंगे,
अब नाम सुनते मुंह में पानी आ जाता है, तो मैं उसको फील करने लगा हूं। अभी तो स्वाद तो आया नहीं, लेकिन पहले से फीलिंग आने लग गई। हाँ, अभी बैठूंगा गरम गरम राजमा आएंगे, स्वाद आएगा। बनाया तो नहीं ना? ये देखो यहाँ पे खुशबू आ रही है, तो वैसे ही बोल रहा हूं मैं। लेकिन अब एक ये सिचुएशन है कि सामने प्लेट पर आ गया, अभी तो सिर्फ फील किया, मतलब सोचा, अब सामने प्लेट में आ गया तो अपने आप ही सलाइवा आ जाता है मुंह में। जैसे सलाइवा आ जाता है मतलब डाइजेशन शुरू हो गया। ये एक साइकोलॉजिकल है, जिसका सलाइवा नहीं बनता ना उसका डाइजेशन वीक रहता है। देखने से मुंह में जो पानी आता है वो पानी क्या है, मतलब उसी समय अपने बॉडी के अंदर ऐसे एंजाइम्स हैं वो डाइजेशन एक्टिविटी स्टार्ट कर देते हैं। और जैसे ही अच्छा सामने आ गया, अभी तक मुंह में स्वाद तो नहीं आया, मतलब मुंह में डाला तो नहीं, अभी तक फीलिंग ही चल रही है। और जैसे मुंह में डाल दिया, क्या स्वाद है, मजा आ रहा है, आनंद आ रहा है। और एक चम्मच, एक कटोरी और, एक कटोरी और, है ना। अब हुआ उसका स्वाद। तो ऐसे ही भागवत जी की कथा होगी, सब आना तो उसको सिर्फ एक फील हुआ है। फिर जैसे जैसे टाइम निकट आ रहा है, फिर वहां पर जाकर बैठकर सुनना, उसका फिर स्वाद है। और फिर उसका स्वाद लेते जाओ, लेते जाओ, लेते जाओ। जितना लेते जाएंगे उतनी वो लोभ और उसकी ग्रीड वो बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। ये जो ग्रीड है, ये लोभ, ये इस संसार का नहीं, उस संसार का है, दूसरे वर्ल्ड की डेफिनेशन है। क्योंकि यहाँ का हर एक एंजॉयमेंट एक सेचुरेशन तक जाता है, उसके बाद वो फिर फेड हो जाता है। कोई भी एंजॉयमेंट ले लो, खाना पीना सोना कुछ भी। अभी राजमा की बात कर रहा था, कितनी कटोरी खा सकता हूं? जो पहले चम्मच में स्वाद आएगा, क्या वो चार कटोरी खाने के बाद स्वाद आएगा? वो कहेगी महाराज जी इतने लिए, आपके लिए तो इतना बड़ा बर्तन बनाया, सब आपको खाना है, अब स्वाद ही नहीं आ रहा। जिस चीज का इतना स्वाद आ रहा था, अब उसका स्वाद ही आना बंद हो गया। क्यों? वो सेचुरेशन तक पहुंच गया है, और सेचुरेशन के बाद वो डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। वो बच्चा बोलता है पापा मेरे को मर्सिडीज चाहिए। पापा ने कहा अच्छा ठीक है, एक आधी डील होने दे, मर्सिडीज आ जाएगी। पापा ने मर्सिडीज लाकर दे दी, और ये तो बड़ा खुश होकर अपने दोस्तों के साथ घूम रहा है, साउथ एक्स इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, साकेत जा रहा है। कितना मजा आएगा ना, पहले दिन मर्सिडीज लेकर घूम रहे, फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, 6 महीने, साल, पहले दिन का जो एंजॉयमेंट और एक साल का बाद का एंजॉयमेंट एक बराबर हो सकता है? उसको एंजॉय करते करते सेचुरेशन तक पहुंच गया, फिर लगता है कि वही तो गाड़ी है, क्या वही, वही तो घूमना है, क्या है, वो सब सेम तो है। मतलब उसका एंजॉयमेंट का सेचुरेशन आ गया, उसके बाद वो डिक्लाइन, फेड होने लग जाता है। इसलिए जितने भी हम सुख आसपास देख रहे हैं या कर सकते हैं, उस सबकी यही पोजिशनिंग है, वो सेचुरेशन तक आता है और फिर वही चीज फेड हो जाती है, फिर एक नया एंजॉयमेंट। पापा वो मर्सिडीज तो हो गया, अब एक नया मॉडल देखा था मेरे साथ पार्किंग में खड़ी हुई थी, रॉयल्स रॉयस थी वो, अब वो लेनी है। अच्छा लंबोर्गिनी कैसी रहेगी, है ना। मान लो वो भी आ गई, एक एक डिवोटी था साउथ अफ्रीका में, जोहान्सबर्ग, उसके पास स्पोर्ट्स कार थी। अब कितनी महंगी होती है आप हिसाब लगा लो, लेकिन उसके लिए बड़ी कैजुअल सही थी। जैसे आप अपनी गाड़ी में जाते हैं उसके, लेकिन आसपास हम लोग देखेंगे, अरे वाह स्पोर्ट्स कार इतनी महंगी होगी, लेकिन उसके लिए कैजुअल है। क्योंकि जब पहले दिन उसके पास आई थी तो वो भी ऐसे सोचता था, और अब चलाते चलाते वो ही तो है, सेम सेचुरेशन। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड की जो एंजॉयमेंट है, उसका कभी सेचुरेशन होता ही नहीं है।
वो बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है, प्रति पदम पूर्ण अमृत स्वादनम, वो स्वाद बढ़ता जाएगा वो कभी घटेगा ही नहीं। इसलिए मेहनत करो तो पूरी करो, बड़ी चीज के लिए मेहनत करो। मान लो साहब 8 घंटा काम करते हैं और 8 घंटा काम करके 1 लाख रुपए कमा लेते हैं, वही अगर अपॉर्चुनिटी हो कि 1 लाख 8 घंटा काम करो तो आपको 15 लाख मिल सकते हैं, तब कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? 15 वाला करोगे नेचुरली, जहां पर ज्यादा लाभ मिल रहा है, काम उतना ही करना है 8 घंटा। तो इतनी मेहनत करके अगर ज्यादा बेनिफिट मिल रहा है तो हर व्यक्ति, एक अनपढ़ व्यक्ति भी उसी जगह जाएगा। इसलिए हर व्यक्ति को सुख चाहिए, हर व्यक्ति को हैप्पीनेस चाहिए। इसलिए फिर मेहनत उसके लिए करो कि जिससे बड़ी चीज मिले, फिर छोटी चीज के लिए क्या मेहनत करनी, फिर उस सुख के लिए जिसका सैचुरेशन है ही नहीं है, और हम उस सुख के लिए रोते हैं लड़ते मरते हैं जिसका सैचुरेशन आ जाता है। बस 1 मिनट बोलता हूं क्योंकि फिर आज कथा भी है, अभी जाना भी है। एक बच्चा स्कूल में, बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, अब सब कोई एक ही कैटेगरी के नहीं होते, कोई बहुत सुपर रिच। तो एक मीडियम क्लास का बच्चा, उसने अपने फ्रेंड को देखा, उसने बड़ा अच्छा और बड़ा एक्सपेंसिव जूता पहन रखा है। घर में आया, पिताजी से कह रहा है, पापा मेरे को वही जूता चाहिए, मैंने अपने फ्रेंड को देखा। जो ब्रांड का नाम सुना, पिताजी ने कहा, बेटा ये तो मेरे 1 महीने की सैलरी है। तेरे दोस्त, उसके पिताजी बहुत बड़े फैक्ट्री वाले हैं, वो खरीद सकते हैं भाई, मैं तो ये तेरे को जूता खरीदूंगा, 1 महीने की तो मेरी सैलरी है ये, मैं नहीं दे सकता। और ये जो लड़ा, मैं खाऊंगा नहीं, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मैं ये नहीं करूंगा, मैं वो नहीं करूंगा, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, रोए जा रहा है। तो पिता ने उसको कहा, अच्छा ठीक है, मैं पैसे जोड़ दूंगा पक्का, तेरे को 2-3 महीने में जरूर ला के दूंगा, पक्की बात है। अब उसका बच्चे का मन रखना है, कुछ भी करो बच्चे के लिए तो सब किया जाता है ना। इसने मैं खुश हो गया, अच्छा कह रहे ज्यादा नहीं, 2 महीने में, अच्छा ठीक है, गारंटी 2 महीने में ला दूंगा तेरे को। अगले दिन, ये एक वीडियो देखा था मैंने फेसबुक पे, अगले दिन वो पिता उसको स्कूल ड्रॉप करने जा रहा था और पास में उसी साइज का ही छोटा सा बच्चा भीख मांगता हुआ विंडो को नॉक कर रहा है, कार को नॉक कर रहा है। जब उसको नॉक किया, विंडो खिड़की खोली, तो जो बच्चा पैसे मांग रहा था उसका एक पैर ही नहीं था, हैंडीकैप था। अब ये जो बच्चा, जो पिता से ये जिद कर रहा था, मेरे को वो महंगा वाला जूता चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, उसने देखा ये मेरे साइज का ही, मेरी उम्र का बच्चा, इसका तो पैर ही नहीं है और ये भीख मांग रहा है। अब उसको वो अपनी सारी जिद रिकॉल हो रही है, दिमाग में आ रही है, हाय मैं क्या, मैं उस जूते के लिए रो रहा हूं, उसके पास तो बेचारे के पास पैर भी नहीं है। तो उसने, पिता ने उसको 10 रुपए दे दिया। गाड़ी जब आगे गई, स्कूल पर पहुंचा, तो बच्चा बोलता है, पिताजी वो जो मेरा अभी जूता है ना, वही ठीक है, मेरे को वो महंगे वाला जूता नहीं चाहिए। बोलते क्यों? बोलते बस मैं इसी में खुश हूं। इतना छोटा सा बच्चा भी उस बात को समझ गया कि मैं उसके लिए लड़ रहा हूं, और ऐसे कितने हैं जिनके पास तो पैर भी नहीं है। छोटी सी बात को उसने पकड़ ली, और वही छोटी सी बात, ये तो एक वीडियो की बात नहीं बोल रहा, सच में मैंने एक किसी को ऐसा देखा था, उसी से उसने एक सीख ले ली कि जितना भी हाय हाय करेंगे वो कभी उसकी संतुष्टि होने वाली नहीं है, कभी भी, पूरी लाइफ। बड़े बड़े राजाओं की नहीं हुई हमारी तो बात ही क्या है, बड़े बड़े राजाओं की नहीं हुई हम लोगों की तो बात ही क्या, हम तो छोटे से लोग हैं। कभी जीवन में संतुष्टि हो ही नहीं सकती। हाँ, अगर हम अपने मन को समझा लें, जितना मुझको मिल रहा है उतने में ही मैं पूरा संतुष्ट हूं और
रहूं और अपने जीवन को हंसी खुशी निकालूं, रोते रोते हाय हाय करके नहीं निकालूं, क्योंकि उसका कभी अंत है ही नहीं है। हमारा अंत हो जाएगा, लेकिन हमारी ये जो बड़ी बड़ी सपन स्वपन है, ड्रीम्स हैं, उसका कभी अंत नहीं होने वाला। ये बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, और देखो उस बढ़ते जाने में भी सेचुरेशन आ जाएगा फिर, और फिर नीचे घट जाएगा, फेड हो जाएगा। इसलिए इन बातों को बड़े प्रैक्टिकल अपने जीवन में, ये कोई कथा कोई लेक्चर नहीं है, ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। जिसने इस एक फॉर्मूला को अपने जीवन में बसा लिया, अपने हृदय में बिठा लिया, वो कभी भी दुखी हो ही नहीं सकता। अगर ये छोटे सा एक फॉर्मूला अगर हमने एक्सेप्ट नहीं किया ना, तो कभी सुख मिलेगा ही नहीं, हमेशा रोते ही रह जाएंगे बस। इसलिए ये प्रैक्टिकल बातें ये स्पिरिचुअल अध्यात्म के साथ जुड़ी हुई हैं, इसलिए इसको कनेक्शन करके बतलाया। अब सभी बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलो अब हमको प्रसाद दे दो, फिर जल्दी जाना है। हरे कृष्ण। सैगल जी के परिवार की जय। चलो व्यवस्था करो, तैयारी करो।